This is ninth multiple choice question of chapter 3 of the book of Halliday Resnick and Crane and the statement of the problem is a rock rests on a level surface. the magnitude of the forces on the surface due to the rock is FSR and the magnitude of the force on the rock due to the surface is FRS. If we compare these forces we find that FSR is less than FRS. Option B is FSR is equal to FRS. ऑप्शन सी इज़ एफ एस आर इज़ ग्रेटर दैन एफ आर एस एंड ऑप्शन डी इज़ देर इज़ नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू कंपेयर द टू फोर्सेस तो हम uh, देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है ये न्यूटन के uh, तीसरे कानून के रिलेटेड है जिसमें हम uh, दो अपोजिट फोर्सेस को डील करते हैं और न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो हमें ये बताता है कि जो अपोजिट फोर्सेस हैं वो हमेशा ही मैग्नीट्यूड में बराबर होती हैं जबकि डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं तो अगर ये हमारे पास एक रॉक है जो इस लेवल सरफेस के ऊपर बैठी है या पड़ी है तो इस रॉक के ऊपर जो फ़ोर्स लगती है सरफेस की वजह से उसको उन्होंने एफ आर एस से रिप्रजेंट किया है तो हम इस फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये रॉक के ऊपर लग रही है सरफेस की वजह से सो दिस इज़ एफ़ आर एस और अब रॉक भी सरफेस के ऊपर फोर्स लगाती है और वो फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है तो उस फोर्स को हम यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सरफेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है रॉक की वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये है एफ एस आर और अबियसली न्यूटन का थर्ड लॉ हमें फ़ौर ही बताता है कि ये फोर्सेस जो हैं ये मैगनीटोल में बराबर होती हैं और डायरेक्शन में अपोज़िट होती हैं तो डायरेक्शनज़ हम देख सकते हैं ये अपोज़िट हैं दोनों यानी एफ़ आर एस जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है जो और एफ़ एस आर जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये मैगनीटोल में लाजमी तौर पर बराबर होगी और उससे हम ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है वही एक ऑप्शन है जिसमें ये फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं तो बी इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है